हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा सेक्शन, दैट इज अपर लिम। हमारा पहले थोरेक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पेक्टोरल रीजन, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्या है? ब्रेस्ट एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड जब होती है वो मॉडिफाई हो गई, उसके बाद में वो मिल्क सिक्रीशन करने लग गई, मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो वो ब्रेस्ट बन गई, जिसे हम मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं। अब हम ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रेस्ट में सबसे ऊपर ओवरलाइंग होती है, स्किन प्रेजेंट होती है, उसके बाद होता है पैरेन्काइमा जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है, जिसे हम मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं, और एक होता है फाइब्रोफैटी स्ट्रोमा, दैट इज मेमरी ग्लैंड जो है उसको पेक्टोरल फेशिया से अटैच रखने के लिए हमारे पास फैट होती है, उसमें फैट भी प्रेजेंट होती है और कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, तो उस कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइब्रोफैटी स्ट्रोमा। जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ऊपर ऊपर प्रेजेंट होती है वो हो गई स्किन, उसके बाद में ये जो लोब्यूल्स होते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती है, ये ग्रीनिश, ये हो गई मेमरी ग्लैंड और पैरेन्काइमा ब्रेस्ट का, और इन पैरेन्काइमा के बीच में प्रेजेंट होती है फैट, और ब्रेस्ट को पेक्टोरल फेशिया से अटैच रखने के लिए फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, लॉन्गिट्यूडनल जो रन कर रहे हैं ऐसे फाइबर्स दिख रहे हैं, ये फाइबर्स, इन्हें हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, ये बनाते हैं फाइब्रोफैटी स्ट्रोमा। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ब्रेस्ट का और मेमरी ग्लैंड का। फर्स्ट हम देख रहे हैं स्किन। स्किन में कौन से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है, एक तो है निपल, दैट इज डार्क कलर का एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है जिसमें 10 से 15 लैक्टिफेरस डक्ट्स आके ओपन होती है, जिससे कि मिल्क इजेक्ट होता है आउटसाइड द ब्रेस्ट, उस पोर्शन को हम कहते हैं निपल। और स्किन में होता है एरियोला, दैट इज निपल के अराउंड एक सर्कुलर ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है निपल के चारों तरफ, उसके अराउंड, उसे हम कहते हैं एरियोला। तो जैसा कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन होता है जहाँ से सिक्रेट होता है मिल्क बाहर, उसे हम कहते हैं निपल। इसके चारों तरफ पिगमेंटेड एरिया होता है, उसे हम कहते हैं एरियोला। और निपल के अंदर ये देखो, जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वहां से कुछ डक्ट्स आके ओपन होती है, जिन्हें हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि मिल्क लेके आती है, और फिर यहाँ से निप्पल जब बेबी सक करता है वहां से मिल्क सिक्रीशन होता है, तो लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होती है निप्पल के अंदर, जिस और निप्पल के चारों तरफ होता है सर्कुलर एरियोला। उसके बाद सेकंड है पैरेन्काइमा, और जिसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर पार्ट और मेमरी ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो मेमरी ग्लैंड के क्या क्या पार्ट है? एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में बनता है, फिर वो एक ट्यूब के थ्रू बाहर आता है और कुछ देर के लिए साइनसेस में स्टोर होता है, जिसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस साइनस, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निपल से बाहर आ जाता है। तो ये पार्ट्स हो गए एल्वियोलाई, लैक्टिफेरस साइनसेस एंड लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये ग्रीनिश है, ये है एल्वियोलाई, यहाँ से ये जो ब्राउन कलर की ट्यूब्स हैं यहाँ पे आई, फिर ये थोड़ा वाइड हो गया, तो ये हो गया लैक्टिफेरस साइनस हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये बाहर निकल गई छोटी छोटी डक्ट से, वो ओपनिंग हो गई लैक्टिफेरस डक्ट की, तो एल्वियोलाई, इसके बाद ये हो गए लैक्टिफेरस साइनस, उसके बाद में आती है लैक्टिफेरस डक्ट्स। थर्ड है फाइब्रोफैटी स्ट्रोमा। फैट होती है, हमने आपको बताया था ग्लैंड के बीच बीच में फैट प्रेजेंट होती है, और एक फाइब्रस लिगामेंट्स प्रेजेंट होती है जो कि प्रेजेंट होते एक्सटेंड करते हैं कहाँ से, स्किन से पेक्टोरल फेशिया तक एक्सटेंड करते हैं, जो कि ब्रेस्ट को मतलब बॉडी से कनेक्ट करके रखते हैं, जिसे हम कहते हैं लिगामेंट्स ऑफ कूपर। तो फाइब्रोफैटी स्ट्रोमा में क्या क्या है? ये जो येलोइश है ये फैट है जो कि पूरी ब्रेस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, जैसे कि आपको ये लिगामेंट्स दिख रहे हैं, ये स्किन से अराइज होते हैं और यहाँ पे ये पीछे पेक्टोरल फेशिया यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, तो स्किन से पेक्टोरल फेशिया तक ये एक्सटेंड करते हैं ये फाइबर्स, जिन्हें हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, जो कि ब्रेस्ट को अटैच करके रखते हैं पेक्टोरल फेशिया से। नाउ लोकेशन,
जो ब्रेस्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डीप फेशिया में और सुपरफिशियल फेशिया में। जो हमारे बॉडी के आगे वाला रीजन होता है उसे हम कहते हैं पेक्टोरल रीजन, दैट इज थोरेक्स वाला जो आगे वाला रीजन होता है उसे हम कहते हैं पेक्टोरल रीजन। तो पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट, ना कि डीप फेशिया में। उसके बाद है एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब कौन से रिब से कहाँ तक ऊपर से, कौन से रिब से कौन से रिब तक एक्सटेंड करती है ब्रेस्ट, और हॉरिजॉन्टली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो वर्टिकली मिड क्लेविकुलर लाइन में जब जाएंगे तो सेकेंड रिब से सिक्स रिब तक एक्सटेंड करती है ब्रेस्ट, और हॉरिजॉन्टली लेटल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सलरी लाइन तक एक्सटेंड करती है। इसका ये एक्सटेंट है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखें, ये है एक्सटेंट शो करने के लिए डायग्राम। तो ये क्लेविकल है, ये क्लेविकल की मिड क्लेविकुलर लाइन यहाँ पे हुई। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे ये सिक्स सेकेंड रिब है, यहाँ से अराइज यहाँ पे और प्रेजेंट होती है सेकेंड रिब से ब्रेस्ट, और कहाँ तक, ये सिक्स रिब है मिड क्लेविकुलर लाइन में, सिक्स रिब तक, सेकेंड रिब से सिक्स रिब तक प्रेजेंट होती है मिड क्लेविकुलर लाइन में ब्रेस्ट। ये वर्टिकल एक्सटेंट हो गया। हॉरिजॉन्टली कैसे है, ये स्टर्नम है, स्टर्नम के लेटल बॉर्डर से अराइज होती है, और ये मिड एक्सलरी लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट हो गया, फ्रॉम लेटल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सलरी लाइन। तो यहाँ पे सेकेंड रिब से सिक्स रिब यहाँ पे, और यहाँ पे स्टर्नम टू मिड एक्सलरी लाइन एक्सटेंट हो गया। अब हम पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज ब्रेस्ट के नीचे उसके डीप क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो वहां पे तीन मसल होती हैं जो कि आपको याद रखनी है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ये तीनों मसल लाइक बेस प्रोवाइड करती हैं ब्रेस्ट को नीचे की तरफ से, दैट इज डीप रिलेशंस हैं मेमरी ग्लैंड के और ब्रेस्ट के। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ये कि बेड प्रोवाइड करती है ब्रेस्ट को, तो इसे हम कहते हैं ये तीन स्ट्रक्चर, पेक्टोरलिस मेजर मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो है ये मेमरी बेड बनाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मेल का बताया हुआ है, ये यहाँ पे ब्रेस्ट प्रेजेंट होगी, ब्रेस्ट के जस्ट नीचे यहाँ पे मीडियल साइड में थोड़ी होती है ये मसल, ट्रायंगुलर शेप की दिख रही है, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है। साइड में ये थोड़े ऐसे डिजिटेशन टाइप दिख रही है, ये सेरेटस एंटीरियर मसल होगी, लेटरली प्रेजेंट होगी, और थोड़ा इंफीरियर और मीडियली इंफ्रोमीडियली प्रेजेंट होगी यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो ये मेमरी बेड बना रही है पेक्टोरलिस मेजर मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल और यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। नाउ वॉट इज रेट्रो मेमरी स्पेस, रेट्रो मेमरी स्पेस क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड और पैरेन्काइमा का डीप पार्ट था उसके बीच में और पेक्टोरल फेशिया के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं रेट्रो मेमरी स्पेस। रेट्रो मेमरी स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कंटेन क्या करता है वो, लूज एरियुलर टिश्यू, वहाँ पे लूज एरियुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ग्रीनिश मेमरी ग्लैंड है, तो ये डीप पार्ट हो गया, ये सुपरफिशियल पार्ट हो गया ग्लैंड का, डीप पार्ट हो गया ग्लैंड का, तो ये डीप पार्ट है ग्लैंड का, और ये है पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया और डीप पार्ट ऑफ ग्लैंड के बीच में ये आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो व्हाइटिश स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा स्पेस है, रेट्रो मेमरी स्पेस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है लूज एरियोलर टिश्यू। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई, दैट इज आर्टीरियल ब्लड सप्लाई कैसे मिलती है ब्रेस्ट को। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ परफोरेटिंग ब्रांच ब्लड सप्लाई देती है ब्रेस्ट को, और एक्सिलरी आर्टरी की लेटरल थोरेसिक ब्रांच, सुपीरियर थोरेसिक ब्रांच एंड एक्रोमियो थोरेसिक ब्रांच ब्लड सप्लाई देती है ब्रेस्ट को, एंड इंटरकोस्टल आर्टरी, मेनली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज ब्लड सप्लाई देती हैं ब्रेस्ट को। तो तीन आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई देती हैं ब्रेस्ट को, जो कि आपको याद रखना है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, थर्ड और फोर्थ परफोरेटिंग ब्रांच, एक्सिलरी आर्टरी की लेटरल थोरेसिक ब्रांच, सुपीरियर थोरेसिक ब्रांच एंड एक्रोमियो थोरेसिक ब्रांच और इंटरकोस्टल आर्टरीज। तो ये तीनों आर्टरीज मिलकर ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेस्ट को। अब हम देखेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होता है ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में जो लिम्फ प्रोड्यूस होता है तो उसका ड्रेनेज कैसे कैसे होता है। तो लिम्फ जो ब्रेस्ट होती है उसके अंदर चार क्वाड्रेंट होते हैं, एक तो होता है अपर लेटल क्वाड्रेंट, अपर मीडियल क्वाड्रेंट, लोअर लेटल क्वाड्रेंट एंड लोअर मीडियल क्वाड्रेंट। जो अपर लेटल क्वाड्रेंट होता है वहां से जो लिम्फ है वो जाता है
एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होती है जो उसका एंटीरियर होता है, तो एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में मोस्ट ऑफ द लिम्फ जाता है ब्रेस्ट का, दैट इज 75%, और अपर मीडियल क्वाड्रेंट से लिम्फ जाता है पैरास्टर्नल नोड्स में, कितना 20% के अप्रॉक्स, और जो लोअर लेटल क्वाड्रेंट होता है उससे लिम्फ जाता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में अप्रॉक्स 5%, और लोअर मीडियल क्वाड्रेंट है वहां से लिम्फ जाता है सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस में. इसको मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाती हूँ तो और इजी विजुअलाइज करने में ज्यादा इजी रहेगा. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो ये ब्रेस्ट का अपर लेटरल क्वाड्रेंट है, ये अपर मीडियल है, ये लोअर लेटरल है एंड लोअर मीडियल है. तो अपर लेटरल क्वाड्रेंट से जो ज्यादातर लिम्फ है ब्रेस्ट का वो जाता है एंड इस वाली लिम्फ नोड में. ये कौन सी लिम्फ नोड है? एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, दैट इज एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी बहुत सारी होती है, एंटीरियर पोस्टियर लेटरल सेंट्रल. तो मोस्ट ऑफ द अपर लेटरल से मोस्ट ऑफ द लिम्फ जो है ब्रेस्ट का वो जाता है एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में. उसके बाद में एंटीरियर से चाहे चला जाएगा सेंट्रल में, सेंट्रल से फिर एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में चला जाएगा, पर पहले जाता है एंटीरियर में, उसके बाद में जाता है सेंट्रल में और एपिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में, एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में अल्टीमेटली. और जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है दैट इज अपर मीडियल क्वाड्रेंट है, यहाँ से लिम्फ जो है वो मेनली जाता है पैरास्टर्नल नोड्स में, जिन्हें हम इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स भी कहते हैं. और लोअर लेटरल से क्वाड्रेंट से जाता है लिम्फ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स में. और लोअर मीडियल क्वाड्रेंट से लिम्फ नोड जाता है सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस में. ये सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस है, इसके अंदर लिम्फ जाता है लोअर मीडियल क्वाड्रेंट से. तो अगर हम इसको रिवाइज करें, मोस्ट ऑफ द लिम्फ फ्रॉम अपर लेटरल क्वाड्रेंट गोज टू एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, वहां से फिर वो सेंट्रल में जा सकता है और अल्टीमेटली एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जा सकता है. अपर मीडियल से जाता है पेरास्टर्नल नोड्स में, लोअर मीडियल से जाता है सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस में, एंड लोअर लेटरल से जाता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स में. यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है जिसको हम आसानी से लर्न कर सकते हैं. उसके बाद में एक अप्लाइड है. अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, क्या चीज खराब हो सकती है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है हमें ब्रेस्ट के बारे में जानने के लिए, जो कि ब्रेस्ट होता है उसके अंदर कैंसर बहुत कॉमन होता है. तो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट अप्लाइड देखेंगे. तो इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वैसे भी फीमेल्स में कॉमन होता है, जिसको टेस्ट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं. तो जो एक एक्सरे टाइप आता है उसे हम मैमोग्राम कहते हैं. तो ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कार्सिनोमा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं. ब्रेस्ट कार्सिनोमा में ब्रेस्ट जो है फिक्स्ड हो जाती है और इमोबाइल होती है. ब्रेस्ट जो है मूव नहीं कर सकती, वो फिक्स्ड और इमोबाइल हो जाती है. रिट्रैक्शन हो जाता है स्किन का, दैट इज स्किन जो है रिट्रैक्ट होने लगती है. निप्पल का भी रिट्रैक्शन होता है, दैट इज निप्पल भी रिट्रैक्ट होने लगेगी, थोड़ा सा पेनफुल होगा, रिट्रैक्ट होने लगेगी, मतलब इतनी प्रोट्रूडिंग नहीं होगी, रिट्रैक्ट करने लगेगी अंदर की साइड निप्पल भी. और ब्रेस्ट का जो कैंसर है वो ओवरीज तक भी पहुंच सकता है, जिसे हम कहते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ट्रांससिलोमिकली पहुंच जाता है. कैंसर सेल्स जो है वो माइग्रेट कर जाती है ट्रांससिलोमिकली ओवरी में, और ओवरी में एक ट्यूमर बन जाता है जिसे हम कहते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर. ये भी एक फीचर है ब्रेस्ट कैंसर का. तो जैसा कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ से सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस से ट्रांससिलोमिकली जो लिम्फ है जो कि कंटेन करती है कैंसर सेल्स, वो ओवरी में जा सकती है और यहाँ पे हमें कॉज हो सकता है क्रूकनबर्ग्स ट्यूमर. और क्या फीचर्स है ब्रेस्ट कैंसर के, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, दैट इज जो ब्रेस्ट है वो ऑरेंज पील जैसी दिखाई देगी, ऑरेंज कलर का उस पर अपीयरेंस आती है जिसे हम कहते हैं प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट. तो जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये नॉर्मल ब्रेस्ट है, इसमें कोई हमें ऑरेंज कलर ऑरेंज पील अपीयरेंस नहीं दिख रही है, लेकिन हम इस ब्रेस्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑरेंज पील ऑरेंज कलर का पील जैसा
दिखाई दे रहा है, ऑरेंज पील अपीयरेंस है जिसे हम कहते हैं ब्यूडी ऑरेंज, के हमें ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का साइन है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो गए ब्रेस्ट कैंसर के, दैट इज ब्रेस्ट इमोबाइल हो जाएगी, रिट्रैक्शन होगा निप्पल और स्किन का, क्रुकनबर्ग ट्यूमर हो सकता है और प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस होगी ब्रेस्ट की। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेस्ट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बाद में हम उसमें होगी पेक्टोरल रीजन में कौन कौन सी मसल्स होती हैं जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके और भी वीडियो हमारे चैनल पे आप वो जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं मेडिकल में उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और वीडियोस पे अच्छा थोड़ा कमेंट करेंगे तो थोड़ा मोटिवेटिंग लगता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।